और लवी ने मुर्गे का अचार एक बार खा लिया और दोबारा मांग रही है। कैसा लगा मुर्गे का अचार? मेरे को मत बोल भाई, वो मेरा चप्पल है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बोलना होता बीच में, अभी तुम छोटे हो बहुत। मेनू बना रही है सब्जी, ये ताली बजाओ सब लोग। वेरी गुड। बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पति देव और मैं यहाँ पे बैठ के, तो भी बहन फिर से मुझे ले आई है घुमाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, 9:10 हो रहा है। तो सुबह सुबह का माहौल चल रहा है घर में और गर्माहट वाला माहौल चल रहा है, सबका अपना अपना काम चल रहा है। मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी है, साग क्या बनाओ, इन लोगों से पूछ रही हूँ, कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा है। गुन्नू बेबी यहाँ पे अंडा खा रहा है और गुन्नू के अंडे में जोई की नजर है। तो अभी लवी और हैरी लोग कर रहे हैं लंच, हमने तो कर लिया है। और लवी ने मुर्गे का अचार एक बार खा लिया और दोबारा मांग रही है। कैसा लगा मुर्गे का अचार? हाँ, डाल के मत निकालना यार। ये लभी लभी गीला गीला चम्मच है, गीला चम्मच है। अच्छा दीदी, दूसरा देना काटा, गीला चम्मच से नहीं निकालेंगे। तो ये कैसा लगा लभी? अच्छा हो रहा है। तभी तो दोबारा खा रही है, वो देखो निकाल लिया फिर से मुर्गे का अचार। खैर ही नहीं खा रहे? ले लो, मुझे पता मत दो। ले रहे हैरी को पसंद आया? नहीं आया कर दो उसका, सही है, है? सही हो रहा ना? मेरा पति मतलब बिजनेस कर सकता है मुर्गे के, ले ले एक नखरा लगा दे। मेरा पति देव बिजनेस कर सकता है मुर्गे का चार का, है? अब हमें इसके लिए जो रियल में जो मुर्गे का चार जो लोग बनाते हैं वो भी चखना पड़ेगा ना। वैसे मतलब बन गया है मुर्गे का चार, लगा चार का फ्लेवर आ रहा है उसमें, क्या चार है। अच्छा जानू, तुम पास हो गए जानू, तुम फैक्ट्री ला सकते हो चार की। अब अचार का काम शुरू करते हैं। मटन का और उसका मटन और उसका नाम फिश का, एक बार मटन का भी ट्राई करेंगे। बनता है मटन का भी, बनता है मटन का भी ट्राई करेंगे। मटन का तो हड्डी वड्डी वाला दिए, वो तौलिया हटा दिया जरा ऊपर आगे से छत से हटा के नीचे कुर्सी में रख दे फिलहाल। सैंडी मुन्नू वाल, वो जोई और सैंडी और टेडी बेयर, जोई और सैंडी। तो मेरे पति देव ने जो चिकन का अचार बनाया था वो परफेक्ट बनाया है, और वो जब तक लवी है मुझे लग रहा है पहले ही खत्म हो जाएगा, लवी की जाने तक खत्म कर के जाएगी लवी। क्यों लवी? हमने कोई याद दिलाया अभी तो तुझे याद ही ना खाने की हो। तुमने छुपाने वाले नाटक किया मेरे साथ, इसलिए मुझे याद रही। छुपाने वाले नाटक, छुपाने वाला नहीं यार, वो फ्रिज पर रखना था ना उसे। तो तुमने यहां पे शटर बटर और चैनल दिखाई नहीं, उससे मुझे सब हुआ कि क्या रख रहे लोग फ्रिज में। हमने सोचा था नहीं, हाँ अभी हमने सोचा था एक दो दिन रखेंगे अचार को, उसके बाद खाएंगे यार। गुन्नू को निराई से हाँ कर रहा है। गुन्नू बेबी क्या लेके आया थे, क्या याद है गुन्नू क्या लेके आया है? हैप्पी बर्थडे टू यू बनानी, हाँ वही है। हैप्पी बर्थडे टू, यहाँ देख बड़ी दीदी को देख, वहाँ सबसे पहले उसका काटा, एक कटोरे में दो गुन्नू को। अरे सर खाएगा, प्लेट से कटोरा दे बेटा गुन्नू के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू लाए बड़े पा उसके। देना उसको एक प्लेट मिलाओगे, ताजा ताजा बना अच्छा रहा। मेरे बच्चे भी जा रहे हैं, वो गाना गाते रह गए, उसको मिलाई नहीं। हम पापा चल गए, बुलेट कैसे नहीं मिली हम। नहीं है भाई, वो मेरा चप्पल है, वो शी चोरी करी, ठीक है भाई चप्पल। ओके okay? अभी तक याद नहीं है जिसमें दीदी से कुछ कहना था। भाई अगर मैं बाहर जाती मैं वो चप्पल पहन के जाती, तुझे क्या बाहर जाती चप्पल पहन के। मैं बाहर गई कब, मैं बाहर गई कब ये बता दी। इसके लड़ने का कारण कौन है पता है? मौसाजी, और तुम क्या जजमेंटल निकाल रहे हैं? क्या मेरे को मत बोल भाई, वो मेरा चप्पल है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बोलना होता बीच में, अभी तुम छोटे हो बहुत। मम्मी ने पूरे झाड़ू से चुप।
उठ बेटा यार टाइम टेबल खा पी करके यहाँ पे बस एक दूसरे की गप्पे सुनने में लगे हम लोग। श्रेया के पापा जा चुके हैं ऑफिस को धोने को, डालो नहीं वहाँ सिंगल के पटक फेंक के आएगा लिखना भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आ गया। यहाँ पे गुनू बेबी के लिए जो केक पेस्ट्री आई थी मेरे बाद हम सबका ललचा गया, मुंह ललचा गया। तो फिर अभी हैरी को भेज करके पहले श्रेया के पापा लेके आए गुनू बेबी के लिए केक, मतलब पेस्ट्री दो लेके आए, उसके बाद अभी हैरी को भेजा हम चाल लिया। ये देखो ये हैप्पी बर्थडे तू भी बैठ गया है और एक यहाँ पे मैडम यहाँ पे साड़ी पहनने की फैक्ट्री चल रही है। इस पाइनएप्पल केक में बीच बीच में अगर पाइनएप्पल आते तो कितना मजा। गुनू क्या खा रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी रात के बज चुके हैं 8 और यहाँ पे मेरा डिनर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बर्तनों का इतना बड़ा ढेर दे सकते हैं, पूरा बर्तन धोए हुए अभी नाश्ता पानी के, और रोटी बन चुकी है और चिकन बनाया है। चिकन मैंने वही वाला बनाया जो परसों मैंने आपको अपने उसमें, अभी मैंने आपको एक आध दिन पहले ही आपको जो चिकन की रेसिपी दी है सिंपल सी बिना मसाले वाली, तो वही वाला चिकन बना हुआ है। तो ये रहा चिकन और रोटी भी बनके तैयार हो चुकी है और सब लोग मारे अंदर गप्पे शप्पे गप्पे सप्पे चली सकते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे। तो गुन्नू बेबी भी उठ चुका है और अभी बच चुके 7। गुन्नू उठ चुका है, उसकी दीदी नहीं उठी अभी, दोनों की दोनों सोई पड़ी है ना ना खाए। और गुन्नू उठ के क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये क्या है, ये दिखाओ क्या है, बिस्कुट बिस्कुट और चाय खा रहा, देखो चाय पी रहा है देखो गुन्नू बिस्कुट के साथ, बदमाशी देखो इसकी है। बिस्कुट क्यों नहीं, बिस्कुट चाहिए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, चाय गर्म है अभी, हाथ मत लगाओ उसमें बहुत गर्म है चाय। हो ये क्या है, यहाँ भी रखा है बिस्कुट, तरह का बिस्कुट, ये देखो खराब बिस्कुट वाला। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, यहाँ पे बन रहा है लंच और यहाँ पे सब्जी कट चुकी है, लौकी और आलू टमाटर प्याज सब काट के तैयार रख दिया है। और मैंने बनाया है आज चैसा, आज मेरी बहन को मैं फर्स्ट टाइम चैसा खिला रही हूँ, अभी इसने खाया नहीं है तो हमने कहा चलो ट्राई कराते हैं इसको चैसा। चावल भी बन के तैयार हो चुका है और बहनू बना रही है सब्जी, ये ताली बजाओ सब लोग। वेरी गुड। और श्रेया कितने ज्यादा बना रही है, मुझे लग रहा है कि एक किलो से ज्यादा सोया चाप है श्रेया। सोया चाप रोल बनने वाला नाश्ते में, अब देखो कब बनता है क्या बनता है। बने बेबी को वाटर चाहिए, ई वाटर चाहिए इसको, ला तेल तेल जल ला लभी उजला एक्सरसाइज ऑन कर वहां से बटन सभी बननी है। मैंने अपना काम कर लिया है, अभी लभी का काम है। तो अभी दोनों बहनें हम लोग घर से बाहर चुके हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा मार्केट को जा रहे हैं ऊन लेने के लिए, और साथ में मौसम आज मस्त हो रहा है, धूप आई है। मैं
मैं अभी आगे आगे, मैं पीछे पीछे शॉपिंग करते करते, मार्केट में ऐसी भीड़ काफ़ी है, अभी इस गली में थोड़ा शांति है। तो अभी मार्केट से हम लोग शॉपिंग करके आ गए और मार्केट में हो रही बहुत ज़्यादा भीड़, जा कि ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी हमने और ऊन भी खरीद के लाई हूँ मैं आज को, मस्त क्या कह रहे कलर लेके डील अभी तुमने मुँह भी बना रहा है, डील अभी भी लेके आई है शर्टर लेके आई है घूमने के लिए और अभी मस्त अलग गर्म हो रहा है, घर जाते हैं सीधे। और संडे आना सैटरडे को यहाँ पे ऐसे बताए पीने का मन कर रहा है, मार्केट के अंदर ना ऐसे स्कूटी और ये बाइक अलाउ नहीं होनी चाहिए, गलत बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाक हो जाता है, की जगह नहीं होती है। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, घर आए हुए भी ना थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बारिश भी होने लगी झमाझम और बहन बच्चे हैरी दोनों बेबी ये लोग सब चले गए गोलगप्पे खाने के लिए, तो मैंने बोला मेरे सोच के बता आना पता नहीं लाते तो पता नहीं, और घर में ज़्यादा काम नहीं करा वो क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा फटाफट करके आ गए, जिस काम से हम गए थे बहन की भूख लानी थी वो नहीं मिली हमें, तो आज की शॉपिंग दिखाती हूँ मैं क्या क्या करके लाई हूँ। तो ये रही मेरी आज की शॉपिंग, सेब आए हैं बाजार में खूब मस्त मस्त वाले, सेब लेके आए, बैंगन लेके आए भरता के लिए या सब्जी के लिए, खीरा लेके आए खूब सारा ककड़ी और टमाटर लेके आई हूँ, और सब्जी भी लाने वाली थी बट ऐसी हो गया, फिर मैंने कहा बहुत भीड़ हो रही थी, मैंने कहा वापस चलते हैं, आ गए यहाँ पर मिल ही जाती है सब्जी, ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा ऊन लेके आई हूँ, फिर अभी आपको दिखाऊंगी नीचे रूम में लाऊंगी कौन कौन सा कलर लाई हूँ, और मैं सोच रही थी ना वो जो बोला था ना मैं गुड़ का वो बना दूँगी पाउडर, तो मैंने कहा बाजार से पाउडर मिल ही रहा है तो गुड़ का मैं पाउडर ले आई हूँ। तो श्रेया के पापा बोल रहे हैं कि कॉफ़ी बना दें, बाहर झमाझम बारिश भी आ रही है, तो मैं इनके लिए बनाती हूँ कॉफ़ी और अपने लिए, और साथ में यहाँ पे बहन थोड़े पापड़ लेके आई थी वो ले गई थी, पापड़ खाई नहीं होंगे तो यहाँ ले आइए पापड़, तो वो बोले पापड़ फ्राई करती हूँ, तेल की गर्म मैंने को रख दिया, मैंने कॉफ़ी बनाती हूँ मिलर अपने लिए। और अपनी मौसी की कहने पर श्रेया सोया चाप रोल बनाने वाली फिर से, देखो कितनी सारी तैयारी करके रख रखी है उसने यहाँ पे। तो अभी जस्ट दो पार्सल आए हुए हैं ऑनलाइन, भैया पहुंचा नहीं है उसका सामान पहले आने लग गया है यहाँ पे, बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पतिदेव और मैं यहाँ पे बैठ के पापड़ और कॉफ़ी का आनंद उठा रहे। आपने सारे पापड़ मेरे जोई को फुल सैंडविच डाली है क्या? तो अच्छा नहीं मैंने सके यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं हम दोनों, अटा भी नहीं रहे यार जगह पे, जगह छोटी हो गई और हम मोटे हो गए लग रहा है। बहन लोग आ चुके हैं और हमारे लाए हैं चिकन चाउमीन, क्या लेके आना चिकन थुप्पा, क्या लाने को बदला था? सबसे महंगा आइटम लेकर क्या ही बदल ले, मैंने कहा ये मोमो मोमो तो खाली मोमो नहीं खा था वो खा था वो इसमें वो ये वाली शॉर्ट के बता से ये चिकन थुप्पा और चाउमीन मोमो हम लोग आगे वाली शॉप में देखे हैं, लोगों ने बैंबू में बना किया। अच्छा मैं तो वो खा था, हमने पहले गोलगप्पे खाए, आपने सोचा दही वाले गोलगप्पे लेंगे तो वो पूरे गल जाएंगे, नहीं वो नहीं शॉर्ट के बता से खा था, हां वही तो वो पूरे गल जाएंगे। अच्छा उसके बाद हम यहां गए ना, उसके बाद हम सीधा आगे निकले रोटी ले, रुमाली रोटी लेते हुए मेन रोड से आएंगे, अभी वो पंजाबी वाला खुलाई नहीं था। चलो बहन चिकन चाउमीन मतलब चिकन थुप्पा लेके आई है तो उसको एंजॉय करती हूँ मैं फिलहाल, इतना ज़्यादा ना खा पाऊँगी मैं इतना। हाँ हाँ हमने तो अभी पी, हाँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ये बनाती हूँ। तो अभी बहन फिर से मुझे ले आई है घुमाने के लिए, मैं कहती हूँ मैं घर से बाहर नहीं निकलती घर के, बट आज मैं कुछ ज़्यादा घर से बाहर निकल गई हूँ, तो अभी फिलहाल हम लोग मॉल जा रहे हैं, इसको कुछ सामान लेना है तो ही देखते हैं क्या क्या लेके आती है, मैं साथ देने के लिए आई हूँ उसका मुझे भी कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी मैं, क्यों जाड़ों के कपड़े आ चुके हैं, अभी की शॉपिंग चल रही है, बच्चों के स्वेटर सारी। तो अभी मैं तो आ चुकी हूँ रूम पे और श्रेया जैसे कि आज बनाने वाली है सोया चाप रोल फिर से मौसी लोगों के लिए, तो अभी थोड़ी देर में बनाने वाली है, तो मैं रूम पे आ चुकी हूँ थोड़ा सा आराम करती हूँ, काफ़ी थकाई लग चुकी है और गुन्नू बेबी के साथ ना टाइम कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और जब से बहन आई है ना कुछ ज़्यादा ही घुमक्कड़ हो गई, आज एक दिन में दो दो बार घर से बाहर निकल चुकी हूँ, तो बस कुछ नहीं अभी थोड़ी देर में हम लोग डिनर करेंगे और इसी के साथ व्लॉग के एंड नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे आपको मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।